जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर तेहु लोक उजागर। हिमाचल का खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशन शिमला, जहां टूरिस्ट दूर दूर से इसकी सुंदरता को देखने आते हैं, जो कि अंग्रेजों की बनाई गई फेमस प्लेस है। शिमला से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भगवान महाबली की बनी अद्भुत मूर्ति के आपको दीदार होते हैं। शिमला घूमने वाला हर कोई जाखू टेम्पल जरूर देखने आता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखो पूरा वीडियो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। जाखू टेम्पल जाखू हिल्स पर सबसे ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। जाखू टेम्पल हनुमान जी का मंदिर है, जहां देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जाखू टेम्पल शिमला से कैसे पहुंच सकते हो। आप जाखू टेम्पल केबल कार, रोपवे, टैक्सी कार और पैदल भी पहुंच सकते हो। अगर केबल कार से जाना चाहते हो तो चर्च के बैक साइड से रास्ता जाता है। रोपवे केबल कार का रेट 550 रुपये रिटर्न है। रोपवे से आप शिमला का पूरा व्यू देख सकते हो। रोपवे केबल कार से जाने का अपना अलग मज़ा है। अगर माल रोड से टैक्सी में जाना चाहते हो तो चर्च के पास से ही जाखू टेम्पल के लिए गवर्नमेंट टैक्सी चलती है, जो कि 25 से 30 तक की टिकट में आपको जाखू टेम्पल पहुंचा देगी। मगर इसके लिए आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बाइक या कार है तो भी आप जाखू टेम्पल जा सकते हो। वो भी अगर आपके पास ड्राइविंग के अच्छे स्किल्स हैं तो ही आप वहाँ पर ड्राइव कर पाओगे, क्योंकि वहाँ की रोड काफ़ी नैरो है और चढ़ाई भी बिल्कुल सीधी है। जाखू वाया कार बाइक जाने के लिए आपको शिमला लिफ्ट पार्किंग से सर्कुलर रोड पर संजौली रोड से जाना होगा और संजौली से थोड़ा पहले नवभरारा चौक से लेफ्ट जाना होगा। ये रास्ता सीधा जाता है जाखू टेम्पल को। इसकी दूरी शिमला बस स्टैंड से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की है। इस वीडियो में रास्ता देख लो। हमने ये ट्रिप अपने बाइक पर किया था। अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो चर्च से ऊपर को रास्ता जाता है, जो एक चैलेंजिंग फिटनेस टास्क है। पैदल जाके आप अपनी बॉडी का फिटनेस टेस्ट रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। आपको पैदल जाने से पहले एक छड़ी जरूर लेके जानी पड़ेगी, वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सांस तो फूलती ही है। इस रोड पर जाते वक्त आपको बंदरों की टीम आपकी चेकिंग करेगी, फिर आपको जाने देगी। बेहतर यही होगा कि आप खाने पीने की चीज़ें ना लेके जाएं। यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी भी है, आप अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते हो। जाखू मंदिर की पौड़ियाँ चढ़ने के बाद दिखने लग जाती है बहुत ही सुंदर हनुमान जी की मूर्ति। जाखू हिल्स एल्पाइन ट्रीज में घिरा हुआ है। यहाँ का पीसफुल और ब्यूटीफुल व्यू आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। जाखू मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसी मान्यता है कि लंका के युद्ध में मेघनाथ द्वारा शक्तिबान लगने पर मूर्छित लक्ष्मण को बचाने के लिए जब श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से संजीवनी मूर्ति लेने के लिए हिमालय की ओर आ रहे थे, तो अचानक उनकी नज़र जाखू पर्वत पर पड़ी। कालांतर से उसके नाम पर ही यक्ष, याक, या और फिर जाखू नाम पड़ा। संजीवनी बूटी का परिचय जानने के लिए हनुमान जी यहाँ उतर गए। उनके पाँव रखने से जाखू आधा पृथ्वी के गर्भ में समा गया। बूटी का परिचय प्राप्त करने के उपरांत श्री हनुमान जी पर्वत की ओर चले गए। जिस स्थान पर हनुमान जी उतरे थे
वहाँ आज भी उनके चरण चिन्हों को मंदिर के पीछे एक कुटिया में संगमरमर से बनवाकर सुरक्षित रखा गया है। ऋषि को वापसी में इसी स्थान से लौटने का वचन देकर हनुमान जी मार्ग में कालनेमिक राक्षस से कुचक्र में अधिक समय नष्ट होने के कारण श्री हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या होते हुए चले गए। प्रतिशारत ऋषि श्री हनुमान जी के ना लौटने पर व्याकुल हो गए। उस समय हनुमान जी ने ऋषि को दर्शन दिए और ना आने के कारण बताया। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई जो आज भी मंदिर में विराजमान है। यक्ष ऋषि ने हनुमान जी की स्मृति को स्थापित करने के लिए मंदिर का निर्माण किया। ऋषि अपनी चरण पादुकाएं स्मृति चिन्ह यहाँ छोड़कर अदृश्य हो गए। तब से यह मंदिर यहाँ स्थापित है। श्री हनुमान जी के जो भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में पूजा करता है, श्री हनुमान जी उनकी सफल मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये मूर्ति जाखू हिल से भी ऊंची होने के कारण शिमला और दूर दूर पहाड़ों में दिखती है। जब यहाँ बर्फ गिरती है तो यहाँ देखने वाला होता है, क्योंकि यह सबसे ऊंचाई पर है। गर्मी में शहर से दूर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जगह चाहिए तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। जाखू टेंपल आने से पहले इम्पोर्टेंट बात, यहाँ के बंदर बहुत नटखट हैं। जब भी आप यहाँ आओ तो अपने शूज चप्पल को जूता घर में या किसी सुरक्षित जगह पर रखना, नहीं तो ये बंदर आपके जूते यहाँ से उठा लेंगे। और अगर आपके पास खाने पीने की कोई चीज है तो बंदर आप पे अटैक करके उसे छीन लेते हैं। आपके पास चश्मा है या कैमरा है तो भी वो आपसे छीन लेंगे और आपको ब्लैकमेल करते हैं। बदले में आपसे प्रसाद लेने के बाद ही आपको आपका सामान वापस करते हैं। इसलिए बंदरों से थोड़ा सावधान। अगर आप कोई छड़ी या सोटी लेके जाओगे तो इससे बंदर आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके।